कुछ साल पहले तक हम टीवी पर सीरियल्स और मूवीज देखा करते थे और मोबाइल पर मनोरंजन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम था। लेकिन इस बीच नेटफ्लिक्स ने मनोरंजन का तरीका ही बदल दिया। क्राइम बेस्ड वेब सीरीज, मूवीज, विदेशी शो, सब कुछ आपके मोबाइल या टीवी पर अचानक से उपलब्ध हो गया। बस क्या था, यूथ को इसका चस्का लग गया। अब बात यूथ की थी तो सस्ते का जुगाड़ ढूंढ लिया गया। एक व्यक्ति सब्सक्रिप्शन प्लान लेता था और इसे यारों दोस्तों से लेकर पूरी फैमिली में बांट देता था। ये जुगाड़ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत दस्तूर जारी रहा। कोरोना के समय इसका खूब इस्तेमाल हुआ। जब पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स को चूना लगा रही थी तो कंपनी को नुकसान होना लाजमी था। कई साल घाटा सहने के बाद नेटफ्लिक्स ने इसी साल पासवर्ड शेयरिंग पर लगाम लगा दी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मुफ्त में नेटफ्लिक्स का मजा ले रहे यूजर्स का तो मजा ही किरकिरा हो गया, लेकिन इससे नेटफ्लिक्स को खूब फायदा हुआ। पासवर्ड शेयरिंग रोकने के बाद से कंपनी नेटफ्लिक्स यूजर्स की संख्या में 90 लाख का इजाफा हुआ है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर 8.69 बिलियन हो गया है। अब जहां नेटफ्लिक्स की गाड़ी दोबारा ट्रैक पर आ गई है, ऐसे में कंपनी ने ग्राहकों को एक और झटका दे डाला है। जी हाँ, कंपनी ने अपने सब्सक्रिप्शन चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। नेटफ्लिक्स ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में स्ट्रीमिंग प्लान की दरें बढ़ा दी हैं। फिलहाल भारत या अन्य दूसरे देशों के लिए कंपनी ने कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन जब तीन बड़े देशों में दाम बढ़ गए हैं तो माना जा रहा है कि कंपनी भारत के लिए भी घोषणा करने में देर नहीं लगाएगी। अब जान लेते हैं कि इन तीन देशों में नेटफ्लिक्स यूजर्स को कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ प्रीमियम एड फ्री प्लान की कीमत में $3 की बढ़ोतरी की गई है। अब नेटफ्लिक्स यूजर्स को हर महीने $22.99 खर्च करने होंगे। इस प्लान में एक ही समय पर चार स्ट्रीम्स की सुविधा मिलती है। वहीं वन स्ट्रीम बेसिक यूएस प्लान की कीमत $11.99 हो गई है। इसके अलावा ब्रिटेन में बेसिक नेटफ्लिक्स प्लान £1 से लेकर £7 तक महंगा हो गया है। वहीं फ्रांस में सब्सक्रिप्शन प्लान 2 से 11 यूरो तक महंगा हो गया है। तो आइए चलते हैं, ये भी जान लेते हैं कि भारत में नेटफ्लिक्स का प्लान कितने का है। तो नेटफ्लिक्स का बेसिक मोबाइल प्लान 149 रुपए से, यानी कि 149 रुपीज से शुरू है। ये प्लान फोन और टैबलेट पर चलता है। वही बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान फोन, कंप्यूटर, टैबलेट और टीवी पर चलते हैं। बेसिक प्लान 199 रुपए मंथली, स्टैंडर्ड प्लान 499 रुपए मंथली और स्टैंडर्ड प्लान 649 रुपए मंथली में मिलता है। वही स्टैंडर्ड प्लान 4 डिवाइस और स्टैंडर्ड प्लान 2 डिवाइस पर चलता है। तो इस तरह से यह है पूरा नेटफ्लिक्स का खेल कि वो कैसे अपने सब्सक्रिप्शन के प्राइस को बढ़ाने वाला है, और देखना ये होगा क्या इंडिया में भी ऐसा होने वाला है या नहीं।